अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ एक नई और सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो शहज़ादी न जाने कितनी देर से रक्सा थी। वो रक्स करती जा रही थी और सामने तख्त पर विराजमान वो सालिम बादशाह से देखता जा रहा था। इस हसीन शहज़ादी ने आज तमाम रक्स करना था इस बादशाह के सामने, और रक्स करते करते थक चुकी थी। इसके पाँव शल हो चुके थे, इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अगर वो रुक गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। हसीन शहज़ादी ने अपने सफ़ेद मखमली जिस्म पर स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। स्याह रेशमी लिबास में जगह जगह घुंघरूनुमा लैस लगी हुई थी, जो शहज़ादी के थरकते जिस्म के साथ थरक रहे थे। महल के इस बड़े हालनुमा कमरे में सिर्फ वो ज़ालिम बादशाह और हसीन शहज़ादी ही थी। शहज़ादी जब रक्स के लिए गोल गोल घूमती तो इसके बूरे रंग के लंबे बाल बल खाते हुए इसके साथ रक्सा होते। इसके सर पर शहतारों से जुड़ा हुआ रुमाल बंधा हुआ था। उसकी पेशानी इसी रुमाल की शहतारों से बड़ी हुई थी। जालम बादशाह को कुछ मशहूर नहीं करता था सिवाय रक्स के, और रक्स भी ऐसा एक हसीना का, और हसीना भी शहज़ादी। जालम बादशाह तो चारों शाने चित हो गया था। बादशाह अपने तख्त से उठा, आगे बढ़ा। शहज़ादी जो गोल गोल घूम रही थी एक दम से अपनी जानिब आता हुआ देखकर रुक गई, उसके कदम थम गए। बादशाह उसके करीब आ गया। बादशाह ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही शहज़ादी को छुआ वो शहज़ादी वहीं पत्थर की हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह अपना सर पीटने लगा। शहज़ादी यास्मीन, तुम पत्थर की हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने क्या कर दिया है। मुझे मालूम था अगर मैंने शहज़ादी यास्मीन को हाथ लगाया तो वो पत्थर की हो जाएगी। मैं क्यों खुद पर काबू ना रख सका, क्यों मैंने छुआ शहज़ादी को। बादशाह किसी फ़कीर की तरह रोने लगा, दाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर तमाम गुलाम हाजिर हो गए, देखना चाहते थे कि बादशाह को क्या हुआ है। लेकिन जब गुलामों ने शहज़ादी यास्मीन को पत्थर की मूर्त बने देखा तो उनकी भी आँख निकल गई। बादशाह वहीं रोता पीटता रहा। इसे याद आ रहा था, बल्कि इसके गिर्द इन अल्फाजों की गर्दिश हो रही थी, किसी लड़की के दर्दनाक अल्फाज। तुम जिस लड़की को हाथ लगाओगे वो पत्थर की मूर्त बन जाएगी, ये बद्दुआ है मेरी बादशाह। बादशाह कानों पर हाथ लगाए पागल मालूम हो रहा था। वो अफसोस कर रहा था, पछता रहा था कि इसने शहज़ादी को हाथ क्यों लगाया, जबकि ग़ुलाम अपने बादशाह की हालत पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बादशाह की बिगड़ती हालत के पेश नज़र बादशाह को तबीब के पास ले जाया गया, लेकिन बादशाह था कि काफ़ी बेचैन, इसलिए तबीब ने सबको अपने कमरे से भेज दिया ताकि बादशाह की परेशानी की वजह पता कर सके। इस वक्त कमरे में सिर्फ बादशाह और तबीब थे। तबीब की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इसे बाबा भी कहा जाता था। तबीब ने बादशाह के पास बैठते शफकत से पूछा, बादशाह सलामत, आपकी बिगड़ती तबीयत की क्या वजह है। ये सब बीमारी की वजह से तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर ये परेशानी कैसी। बादशाह जो कि जालिम बादशाह था, इस वक्त शहज़ादी को खो देने के खौफ के जरिए से वो इस बूढ़े तबीब के सामने बड़े गहरे और डूबे लहजे में बोला था, बाबा मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अपनी राया के लिए जालिम जाबर बादशाह इस वक्त एक ऐसा बच्चा मालूम हो रहा था जिसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। तबीब को अपने बादशाह की हालत पर तरस आया। बादशाह सलामत, आप मुझे बताएं, किस बात ने आपको इतना परेशान कर दिया है। ऐसी कौन सी ताकत है जिसके सामने आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं। तबीब ने मामला समझने के लिए दोबारा सवाल किया। बादशाह ने हल्क तर्क करते तबीब की जानिब देखा। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दे, खुदारा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े दरबार में एक आदमी गिरा रहा था क्योंकि इसने बादशाह के दरबार में गुस्ताखी की थी, और बादशाह की नज़र में गुस्ताखी की एक ही सज़ा थी, और वो थी मौत। बस इसी गर्ज से बादशाह ने अपने मुलाजमों से इसे बंदी बना लिया और जंजीरों से बांध दिया। किसी की इतनी जरूरत नहीं कि मेरे सामने आंख उठाकर सवाल कर सके, और तुमने मेरे दरबार में आंखें उठाई हैं। बादशाह ने मगरूर लहजे में हंसते इसे देखा, जिसने दरबार में सिर्फ यही पेशकश की थी कि किसानों को साल में 20 फीसद देने की बजाय 30 फीसद पैसे दिए जाएँ ताकि इनके घर का गुजर बसर अच्छा हो। लेकिन बादशाह को ये बात ज़रा पसंद ना आई, इसलिए सजा दे दी। बादशाह सलामत माफ़ी दे दीजिए, वो हाथ जोड़े गिर गिराया, लेकिन फ़ौरन इसका सर कलम कर दिया गया।
ये है इबरत का निशान। कोई भी शख्स मेरे सामने जबान चलाने से पहले इसकी हालत को पेश नज़र रख ले। बादशाह ये कहता हुआ अंदर चला गया था। चंद मिनट बाद रक्स शुरू हो गया था। बादशाह के दरबार में लड़कियां रक्स कर रही थी, जबकि बादशाह इन गंगलों की छन छन पर मदहोश हो रहा था। वो जालम बादशाह के नाम से जाना जाता था। लड़कियां और शहजादियां तक इसके सामने रक्स करते कप कपाती थी। इस वक्त भी बादशाह की नज़र एक माजबीन पर थी, जो रक्स करती बादशाह को पसंद आ गई थी। रक्स जैसे ही ख़त्म हुआ, बादशाह ने इस दोशीज़ा को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वो अपने आप को संभालती ही वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि बादशाह का बुलावा क्यों आया है। जबकि दूसरी तरफ बादशाह अपने कहर से सब मुलाजमों को निशाने पर लिए हुए था और इन्हें इस लड़की को ढूंढने का कह रहा था जिसने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। मुलाजिम 3 रोज़ से ढूंढ रहे थे मगर नाकाम लौट आते। वो तो शीजा जाने किधर छुप कर बैठ गई थी। इस लड़की को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। तुम लोगों को यहाँ मैंने तलवे साटने के लिए रखा है, मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए, वो भी आज रात, वरना तुम सबको भी इबरत का निशान बना दूंगा। बादशाह ने जहर खंद लहजे में कहते इन पर कोड़े बरसाए। अपनी जान की खलासी पर वो वहाँ से भाग गए। अब इन्हें कुछ भी करके इस लड़की को ढूंढना था। बादशाह मशरूब पीता लुत्फ ले रहा था। जब से वो लड़की भागी थी, बादशाह ने किसी का रक्स देखा ही ना था, बल्कि एक ऐसा जुनून सर पर सवार था जो बादशाह को ही तबाह कर रहा था। बादशाह अपने महल के पिछले जानिब खड़ा था जब वजीर ने बादशाह को शिकार पर जाने का मशवरा दिया। कोई और वक्त होता तो जालिम बादशाह यकीनन वजीर की दरगत बना देता, लेकिन अभी इसका इरादा भी यही था, इसलिए शिकार पर निकल गया। घने जंगल में बादशाह का घोरा दौड़ रहा था। अचानक बादशाह ने इसकी लगाम खींची कि वो दोनों पांव खड़े करता रुक गया। घने जंगल के बीचों बीच इस वक्त नीम अंधेरा था। बादशाह को कोई शिकार नहीं मिला था। ये बात बादशाह को और तपश दिला रही थी। एक उस लड़की का ना मिलना, फिर शिकार का भी ना मिलना, खाली हाथ लौटना, ये सब कुछ बादशाह को सख्त नागवार गुजरा था। बादशाह इस लड़की का गमन तोड़ना चाहता था, जिसने बड़े दरबार में बादशाह के हुक्म की तामील करने की बजाय फरार का रास्ता मुमकिन किया था। बादशाह से सख्त तर सजा देने का इरादा रखता था, लेकिन वह जाने किस कोने में छुप कर बैठ गई थी। बादशाह ने लगाम खींचते गोरे को मोड़ा, लेकिन इससे पहले कि बादशाह दोबारा गोरे की लगाम खींच के इसको भगाता, इसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई, किसी के रोने की बारीक सी आवाज़। बादशाह ने गोरे से उतरते दबे पाँव आवाज़ का ताकब किया। चांद की रोशनी काफ़ी थी, लेकिन आवाज़ अब ज़रा कम हो रही थी, इसलिए बादशाह जल्दी से इसकी आवाज़ के पीछे जाता, जारियों के करीब आया जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। अचानक बादशाह ने झपटने के अंदाज में जारियाँ साइड पर की, लेकिन सामने का मंजर देख कर बादशाह का दिल बाग बाग हो गया। वही दोशीज़ा लड़की दरख्त से सर टकाए रो रही थी। चांद की रोशनी में दस का चेहरा दमक रहा था। बादशाह ने आगे बढ़ के इसके बाजू दबोचे और अपने शिकंजे में ले लिया। वो लड़की जो बड़े आराम से बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी, ऐसी वैशी गिरफ्त में फड़फड़ा उठी थी। छोड़िए मुझे, खुदा का वास्ता है, छोड़ दे मुझे। वो बादशाह का चेहरा देखते हाथ जोरे गिरगिराई, लेकिन वो सफाकियत का लबादा ओढ़े खबीस मुस्कुराहट के साथ इसे अपने साथ खींचता ले चला गया, जबकि वो लड़की अपने आप पर अब मातम कना थी। बादशाह ने महल में जाते ही इसे अपने कमरे में ले चला गया, जबकि इस दौरान वो लड़की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इस दियो की गिरफ्त से निकलने की, पर इस दियो कामर शख्स की गिरफ्त हाथ पर काफ़ी मजबूत थी। कमरे में ले जाकर एक चटके से इसे फेंका, वो लहराती फर्श पर गिरी। इसका माथा वहाँ रखे टेबल के कोने से लगा और खून की एक लकीर माथे से फिसलती रुखसार तक फैल गई, लेकिन वो अपने हवास पर काबू पाने पीछे मुड़ी, जहाँ वो बादशाह चेहरे पर जालमाना तासरात लिए से देख रहा था। जैसे जैसे वो चलता इसके करीब आया, वो खिसकते पीछे हुई, लेकिन बादशाह पंजों के बल इसके करीब बैठा। जो चीज़ मेरी नज़र में आ जाए फिर वो ता कयामत मेरी रहती है, और तुम तो बादशाह को पसंद आई हो, तुम्हें तो मैं अपनी बुलबुल बना कर रखूँगा। कहते साथ ही बादशाह ने कहका लगाया। लड़की ने सुन रखा था कि बादशाह कितना जालिम है, एक बार जो करने की ठान ले वो कर ही रहता है, इसीलिए इसके पाँव पर गई। बादशाह सलामत में कभी आपकी नज़रों के सामने नहीं आऊँगी, मुझे जाने दें, मुझ गरीब को बख्श दें। वो वहीं फर्श पर बैठे हाथ जोड़ गई, लेकिन बादशाह को किसी तौर पर रहम ना आया, क्योंकि वो था ही बेरहम और इसने रहम करना सीखा ही ना था। बादशाह के शाही लिबास में मलबूस वे एक जाजर यूनानी देव था, जो देखने में तो खूबरू पुर कशिश था, मगर इसका दिल इतना ही सफाक और काला था। लड़की ने देखा कि जब बादशाह मजीद इसके करीब होने लगा है, तो लड़की ने बादशाह को पीछे धक्का दिया। आप जैसे बादशाह होने से बेहतर है
कि ऐसे बादशाह ज़मीन में गिर जाएं जो किसी मसलूम लड़की की बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसने बेकी आवाज़ में कहा और वहाँ पड़ी छुरी को पकड़ लिया जो फ्रूट के थाल में पड़ी हुई थी। मेरी बददुआ है बादशाह, तुम तल तल मरो, ऐसी मौत आए कि तुम्हारी रूह काम जाए। आज एक बेबस औरत तुम्हें बददुआ देती है, तुम जिस औरत को भी छूओगे वो पत्थर की मूरत बन जाएगी। मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं कर सकती, मुझे मरना कबूल है, लेकिन तुम जैसे बुजदिल अयाश बादशाह के सामने खुद को पेश नहीं कर सकती। वो लड़की चीखती रोती हुई तमस्काराना हंसते हुए अपनी नब्ज काट चुकी थी। खून बलबल करता सर कलीन पर बह गया था। कितना अजीब मंजर था, एक लड़की खुद को मौत के गले लगा देती। बादशाह ने इसकी तरफ बढ़ते ही इसे पकड़ना चाहा, मगर वो फर्श पर गिरती अपने हवास खो गई थी, वो मर चुकी थी। बादशाह दो पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन सिर्फ दो पल के बाद ही खुद पर वही सफाकत का लबादा ओढ़ लिया। वो लड़की अपनी सांसें खो चुकी थी और गर्दन एक जानिब ढलक गई थी, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी, वो बददुआ दे रही थी। बादशाह जेरे लब बरबराता हंसा सर झुका गया। इसे इन मामूली बददुआओं का असर नहीं होता था, ये जाने बगैर कि कभी कभार बददुआएं कबूल हो जाया करती हैं, किसी की बेबसी पर कुन हो जाती है, क्योंकि जब किसी की आँ निकलती है तो वो अर्श और फर्श हिला देती है। ये वाक्या तो बादशाह भूल गया था, मगर इस लड़की की चीखें बादशाह के कानों में गूंजती थी। वो अक्सर रात को सो नहीं पाता था, वो लड़की से हमेशा ख्वाब में दिखाई देती थी। इसका खून बादशाह को अपनी कलीन पर नजर आता था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता था। इस लड़की का कहा सच हो गया था, एक मर्तबा दरबार में जश्न रखा गया था बादशाह के जीतने की खुशी में। बादशाह बहुत मसरूर था, इस दिन हर तरफ जश्न का समा था, बहुत सी लड़कियाँ रक्स कर रही थी, जबकि बादशाह तख्त पर बैठा लुत्फानंदोज हो रहा था। बादशाह तख्त से उठा और धीमे कदम उठाता ही रक्स करती लड़कियों के दरमियान खड़ा हो गया, जो अब बादशाह के गिर्द घूम रही थी। अचानक बादशाह ने रक्स करती एक लड़की को जब हाथ लगाया तो वो वही पत्थर की मूर्त बन गई। वहीं पर हर चीज साकन हो गई, ढोलकी की आवाज़ बंद हो गई, गीत की बजाय अब चीखें गूंजने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सब दरबारी और बावर बादशाह हैरत से दंग रह गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, एक लड़की पत्थर की मूर्त। बादशाह को इस लड़की की बातें याद आने लगी, वो सब कुछ सच हो गया था। इस दिन के बाद अब बादशाह किसी लड़की को हाथ नहीं लगाता था, फिर चाहे कितना ही शिद्दत से दिल चाह रहा हो, लेकिन वो खुद पर जब्त किए रखता था, क्योंकि अब वो डरने लगता था। इसे खौफ था कि इस लड़की की बद्दुआ की तरह वो तरफ तरफ को मर ना जाए। एक रात जब वो हमसाए महल के बादशाह के गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी महल में क्याम किया था, क्योंकि बादशाह का अपना महल काफ़ी दूर था और सफ़र की थकान की वजह से इन्हें वहां रुकना पड़ा था। ये महल अयूब दास था, जिसके साथ बादशाह के ताल्लुकात अच्छे थे। इसी घर से बादशाह ने इसके महल में रात गुजारी। सुबह को घूमने की गर्ज से बादशाह बाहर निकला। बादशाह का इरादा महल घूमने का था, इसी वजह से वह महल की पिछली जानिब एक खूबसूरत बाग में आ गया। वहां पर चलते पानी के फवारे और सरसब्ज घास दिलकश लग रही थी। इन सब खूबसूरत नज़ारों के बावजूद बादशाह की निगाह शहजादी यास्मीन पर टिक गई। वो थी ही इतनी प्यारी, इस वक्त बागीचे में मौजूद शाही लिबास में एक हूर मालूम हो रही थी। फिर बादशाह को मदहोश कर देने वाला रक्स शहजादी इर्द गिर्द के माहौल से बेपरवाह रक्स कर रही थी। इसके हाथ फिजा में झूम रहे थे, जबकि इसके पाँव में कैनकी अंदाज में हरकत कर रहे थे। वो अपनी धुन में मस्त होकर लगी थी। इसका रक्स बहुत अच्छा लग रहा था, यूं मालूम हो रहा था कि शहजादी ख्यालों में किसी के सहारे रक्सा है। ये सब कुछ बादशाह को मबहूत कर देने वाला था। बादशाह से देखते जाने कब का खड़ा था, वक्त का पता ही ना चला। बादशाह पर इस रक्स करती हूर का ऐसा नशा सवार था कि वह सब कुछ भूल बैठा था। जब शहजादी को खुद पर किसी की नज़रों की तपश मालूम हुई तो आंखें उठाए सामने देखा, लेकिन ये देखकर इसका रंग सफ़ेद पड़ गया कि बादशाह सलामत इसे बड़ी महवियत से देख रहे थे। इसे फ़ौरन पछतावा हुआ, किसी चीज़ के गलत होने का एहसास बहुत जल्द शहजादी के जिस्म में सरायत कर गया और वो वहीं से उल्टे पांव भाग गई। बादशाह ने मुस्कुराती निगाहों से दूर तक इसके सरापे को देखा। बादशाह का इरादा दरबार में इस शहजादी का रक्स देखने का था। बादशाह चाहता था कि शहजादी को साथ महल ले जाए, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। अयूब दास शहजादी का वालिद था। बादशाह इसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनकी दोस्ती खराब हो। बादशाह बेचैन था इस शहजादी का रक्स देखने के लिए, जो इस तेज की बासी तो लगती ही ना थी। वो जल्द से जल्द इसे अपने दरबार ले जाना चाहता था, जहां वो अकेला इसे रक्स करता देखता। रात को जिस दिन बादशाह के अपने महल को वापसी थी, इसने शहजादी को अगवा कर लिया। ये सब करते इसे ज़रा भी शर्मिंदगी ना हुई थी, क्योंकि वो अपने सीने में दिल रखता ही ना था और इसे साथ लेकर अपने महल में आ गया। यहाँ पर आते एक बड़े जश्न का इनकार किया गया। बादशाह बहुत खुश था, इसलिए आज पूरे गांव के जश्न में आने की दावत दी थी। जश्न के अख्ताम पर बादशाह शहाना चाल चलता अपने हालनुमा कमरे में गया।
जहाँ वह ख्वाबों के शहजादी रक्स वाले लिबास में मलबूस थी। शहजादी बादशाह की सालम तबीयत को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए वह तैयार होकर चुपचाप खड़ी थी। बादशाह ने सबको भेजते ही इसे रक्स करने का कहा और शहजादी बादशाह के इशारे पर सर हिलाती अपना रक्स शुरू कर गई। इसका रक्स मदहोश किन था, बादशाह हैरान रह गया। वो मासूम सी शहजादी इसके डर से रक्स कर रही थी। शहजादी यास्मीन की हर अदा पर बादशाह को अपना पत्थर दिल टूटता महसूस हुआ, इसलिए वे कशिश के जरिए से उस तक जा पहुंचा और यही बादशाह की गलती थी और इसने शहजादी को छू लिया। शहजादी यास्मीन पत्थर की मूर्ति बन गई और बादशाह तही दमा रह गया। सब कुछ बताने के बाद बादशाह खामोश हो गया। तबीब ने बादशाह की हालत को देखते उन्हें दिलासा दिया। बादशाह सलामत, मैं एक ऐसे पीर वली को जानता हूँ जो शायद आपका मसला हल कर सके। तबीब ने बादशाह को उठता देखकर अपना मुद्दा पेश किया, जिस पर बादशाह एक पल को अपने सोच में पड़ गया, फिर जल्दी से पूछा कि क्या तजवीज़ है, क्या वो मेरी शहजादी यास्मीन को ठीक कर सकता है। तबीब ने बताया, वो एक छोटे से गांव में रहता है, बदुआओं का हल बताता है, आप भी इसके पास चले जाएं, क्या पता कब काम बन जाए। बादशाह ने तबीब की बात को गौर से सुना और अपने कमरे में गया, लेकिन वहाँ शहजादी की मूर्ति देखकर बेसाख्ता बादशाह दोबारा रोने लगा। शहजादी का एक हाथ फिजा में बुलंद था जबकि दूसरा जरा पीछे को मुड़ा था। इसका एक एक नकोश हिफ्स करते बादशाह वहीं टिकटिकी बांधे से देख गया। इसे आज मालूम हुआ था कि बेबसी किसे कहते हैं। बादशाह इस शहजादी के इश्क में मुकम्मल तौर पर जकड़ चुका था। बेबसी का एहसास क्या होता है इसने आज जाना था। वो फौरन शहजादी को ठीक करना चाहता था, इसलिए बगैर रात की परवाह किए अकेला ही गोरे पर सवार होता इस बाइक की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में जाने कितने गाँव आए और कितना वक्त इसने सफ़र में गुजारा वो ये नहीं जानता था। वो सिर्फ शहजादी को सही करना चाहता था। ऐसे ही अपनी मंजिल पर पहुंच गया। एक झोंपड़ी नुमाई घर देखकर बादशाह को अचंभा हुआ, क्या वाकई ये बाबा इसकी शहजादी को सही कर देगा। लेकिन फिर अंदर गया जहाँ एक बाबा बैठा था। बाबा ने इसे देखते ही सर हिलाते पास बुलाया। वो जालम जाबर बादशाह इस बाबा के पास नीचे पीछे कारपेट पर बैठ गया। अपनी परेशानी बताओ, इस बाबे ने इस बादशाह की दरवेशी हालत देखते मुस्कुरा कर कहा। शहजादी पत्थर की मूरत बन गई है, इसे ठीक करना चाहता हूँ। आप जितने चाहे जेवरात सिक्के अशरफियाँ ले लें, लेकिन मुझे मेरी शहजादी पहले जैसी कर दे। बादशाह ने खाली निगाहों से उसे देखते कहा, जिस पर बाबा ने सर हिला दिया। तुम एक ऐसे शख्स को ढूंढो जिससे शहजादी मोहब्बत करती हो, जिसके साथ शहजादी की रूह जुड़ी हो और वो शख्स शहजादी को दिल से चाहता हो, दोनों एक दूसरे के साथ बेपना मोहब्बत करते हों। कोई ऐसा शख्स ढूंढो जिसका नाम शहजादी के दिल में हो। अगर वो शख्स शहजादी को छुएगा तो शहजादी पहले जैसी हो जाएगी। और हाँ, ये मामला सिक्के अशरफियों से तय नहीं होते, ये दिल से किए जाते हैं। जिस पर बादशाह सर हिला गया था। बादशाह बाबा की बात पर हैरान हुआ था, वो कहाँ से ऐसा शख्स ढूंढेगा, वो तो शहजादी के बारे में कुछ जानता ही ना था। लेकिन फिर वहाँ से उठते ही वापस अपने महल को रवाना हो गया। महल पहुँचते वो थका हारा एक जवारी ही महसूस हुआ। इसने हर तरीके से पता करना चाहा कि कोई ऐसा शख्स जिससे शहजादी सच्चा प्यार करती हो, मगर कहीं से इसे कोई ना मिला। एक दिन वो यूं ही बैठे शहजादी की मूर्ति से बातें कर रहा था। तुम कितना खूबसूरत रक्स करती हो, जब तुम बगीचे में मदहोश रक्स कर रही थी मैं तभी तुम पर दिल हार बैठा था। बादशाह बात करते करते अचानक रुक गया। एकदम एक ख्याल बिजली के कूने की मानिंद दिमाग में लपका और फौरन वो अपने बिस्तर से उठा। शहजादी का महल, हाँ वहाँ कोई हो सकता है, मुझे वहीं जाना चाहिए। बादशाह खुद से बड़बड़ाता बाहर निकला, जबकि वजीर ने बादशाह को रोकना चाहा क्योंकि बादशाह की हालत तश्वीशनाक थी। बादशाह इसे परे धकेलता अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसके लगाम में कसता वहाँ से ओझल हो गया। सुबह दिन चढ़ते बादशाह शहजादी के महल पहुँच चुका था। यहाँ पर पहुँचते इसने शहजादी के वालद से पूछा कि शहजादी किससे मोहब्बत करती थी। लेकिन शहजादी का वालद अयूबदास तो ये सुनकर शस्त्र रह गया था कि इसकी बेटी को बादशाह ने अगवा किया है और वो पत्थर की मूरत बन गई है। लेकिन बदकिस्मती से वो ये नहीं जानता था कि शहजादी किससे मोहब्बत करती है। बादशाह और शहजादी यास्मीन का बाप अब इसको ढूंढ रहे थे, कोई सुराग हाथ लग जाता, मगर सब बेसूद। बादशाह की हिम्मत टूटने लगी थी, हौसले पस्त हो रहे थे क्योंकि वह शहजादी को खोना नहीं चाहते थे। बादशाह को याद आया इस लड़की की बेबसी का, वह इस दिन बादशाह के सामने बेबस थी, लेकिन आज वो खुद बेबस था। शहजादी के वालद ने बताया कि शहजादी किससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, बस एक दोस्त थी जो कभी कभार आती थी, इससे पूछ लेते हैं। बादशाह ने फौरन इस लड़की को बुलाया था। वो लड़की बादशाह के सामने खड़ी खौफ से कांप रही थी, क्योंकि जिस तरह इसे फौरन बुलाया गया था इसे लगा कोई गलती सरजद हो गई है, इसी वजह से वो अपने हवास खो रही थी। बादशाह ने इसकी हालत देखी तो नरमी से पूछा कि शहजादी किससे मोहब्बत करती थी, अगर तुम जानती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा,
वो लड़की बादशाह की बात सुनकर चौंकी और हलक से थूक निकला। बादशाह सलामत, मैं नहीं जानती वो कैसे शहजादी का राज बता सकती थी किसी को। बादशाह ने इसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट महसूस की थी और इसे शक हुआ कि लड़की लाजमी कुछ ना कुछ जानती है, इसलिए इसे बता दिया कि शहजादी मूर्त बन गई है और इसे वापस ठीक करने के लिए इस शख्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो लड़की तो अपनी सहेली का सुनते ही रोने लगी और जड़ से इस लड़के का पता बता दिया जो इधर ही बस्ती में रहता था। बादशाह सर के बल भागा था और साथ बाकी सब भी। वो एक छोटा सा घर था जिसके बाहर खड़ा एक लड़का चारपाई बना रहा था। बादशाह देखकर हैरान रह गया कि शहजादी इस गरीब लड़के से मोहब्बत करती है। कहाँ वो महलों में रहने वाली शहजादी, शहजादियों सी आन बान जैसी, और कहाँ ये मामूली सा लड़का। लेकिन इस वक्त बाद शहजादी की जिंदगी थी, इसलिए बादशाह ने इस लड़के को मुखातिब किया। ऐ लड़के, अभी इस वक्त मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। बादशाह की आवाज़ ज़रा रोबदार थी जिसे मालूम करते इसके बातें पर बल आ गए। देखिए बादशाह साहब, हम आपके गुलाम नहीं हैं जो आपके हुक्म के पाबंद हो, इस लड़के ने दिलेरी से कहा, जिस पर बादशाह गंग रह गया। शहजादी का बाप जो इधर ही खड़ा तमाशा देख रहा था, लड़के से कहा कि मेरा हुक्म है, तुम बादशाह के साथ जाओ। वो लड़का अपने बादशाह की बात पर सरखम कर गया और बादशाह के साथ रवाना हो गया। बादशाह इसे अभी नहीं बताना चाहता था, इसलिए इसे सीधा अपने कमरे में ले गया। जबकि वो लड़का पहले आराम से खड़ा था, अंदर नजर आती अपनी शहजादी की मूर्ति को देखकर वो मरने वाला हो गया। इसकी हालत एक मजनू जैसी थी। मेरी शहजादी, क्या हुआ तुम्हें? शहजादी बोलो, देखो तुम्हारा रांझा आया है। शहजादी सुनो मेरी बात। वो लड़का शहजादी की मूर्ति के पास आता रोने लगा। बादशाह इसकी शदीद मोहब्बत पर हैरान हुआ जो रो रहा था, लेकिन बादशाह को इस वक्त सिर्फ शहजादी चाहिए थी। इसके बाद वो लड़के को ढेर सारी अशरफियाँ देकर रुखसत करने का इरादा रखता था। बादशाह ने इसे मतवज्जा किया और तमाम माजरा बता दिया। इस लड़के ने फौरन इसे अपने कंधे पर रखा, हाथ परे झटका और मूर्ति से भी दूर हो गया। ये मैं कभी नहीं करूँगा, अगर मेरी शहजादी ठीक होगी तो तुम इसे अपना गुलाम बना लोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम एक जालिम और खुदगर्ज बादशाह हो जिसे सिर्फ अपने मफाद से मतलब होता है। वो लड़का बादशाह पर चीख पड़ा, और पहली बार किसी ने बादशाह से इस तरह गुस्ताखी लहजे में बात की थी। अगर इस लड़के की जगह कोई और होता तो बादशाह इसको दूसरी सांस ना लेने देता, लेकिन इस वक्त इसे लड़के से मतलब था, इसलिए दोबारा इसे कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, तुम शहजादी को ठीक करो। बादशाह ने माथे पर तेवरी लिए कहा ताकि वो लड़का मान जाए, मगर वो लड़का ज़रा मजीद पीछे खिसका। जो बादशाह लड़कियों को महज अपनी आंखें खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता हो, वो किसी काबिल नहीं होता। लड़का धीमे कदम लेता मजीद पीछे हुआ। बड़ी सी दीवार पर एक तलवार लटक रही थी जिसे फुर्ती से वो थाम चुका था, क्योंकि आज इसका इरादा बादशाह को मार देने का था, इस फसाद की जड़ को ख़त्म कर देने का था। इस लड़के ने जल्द से तलवार नियाम से निकाली और बादशाह के पेट में घोंप दी। बादशाह इस अचानक कार्रवाई पर साकत रह गया। हाथ पेट तक ले जाता इसने छुआ, गरम सियाल माया नीचे बह रहा था। बरसों पहले यहाँ इस लड़की का खून बह रहा था और आज वहीं पर बादशाह तरप तरप का मर रहा था। एक बार शहजादी को सही देखने दो। बादशाह फर्श पर गिरते गिर गिराया। इसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी शहजादी के साथ और अब इसका दीदार करना चाहता था, मगर ज़िंदगी ने इसे इतनी मोहलत ना दी और वो एरिया रगड़ता वहीं मर गया। एक जालिम सफाक बादशाह एक शहजादी से इश्क करने के बाद मर गया था। आखिरी वक्त जो चेहरा इसकी आंखों के सामने आया वो रोती हुई इस लड़की का था जो इससे पनाह मांग रही थी, और फिर इसकी आंखें बंद हो गई। इसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की मोहलत ना मिली थी। वो लड़का बादशाह के बेसुध पड़े वजूद को देखते शहजादी तक आया और जल्दी से इसके हाथ को थाम लिया। इस लड़के ने अभी शहजादी का हाथ थामा ही था कि शहजादी का पूरा वजूद एक झटके के साथ दोबारा जिंदा हो गया। शहजादी ने फटी निगाहों से नीचे पड़े मरे हुए बादशाह को देखा जिसका खून फर्श को सुर्ख कर गया था, फिर अपने पास खड़े रांझे को देखा। शहजादी से देखते खुशी से मुस्कुरा उठी। रांझे, मुझे पता था तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। शहजादी फर्श जज्बात में अपने रांझे का हाथ थामे आंसू से नम निगाहों से बोली, मुझे आना ही था अपनी शहजादी के लिए, अपनी शहजादी को जालम बादशाह से बचाने के लिए। रांझे ने शहजादी को साथ लिया और वापिस शहजादी के महल आ गया। शहजादी का वालद, जो शहजादी की राह में आंखें रखे बैठा था, अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ, जबकि इस लड़के को बहुत से इनाम जवाहरात से नवाजा जिसे लेने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी मोहब्बत रुपए पैसे से नहीं थी बल्कि अपनी शहजादी से थी। सच्ची मोहब्बत, हर मतलब और गर्व से पाक मोहब्बत। शहजादी का वालद रांझे से बहुत मुतासिर हुआ और खुशी खुशी इस शहजादी की शादी इस रांझे से कर दी। अब रांझा भी शहजादी के साथ महल में रहता था। शहजादी अपने रांझे के साथ बहुत खुश थी। वो अब भी रक्स करती थी मगर अकेली, मगर क्योंकि इसको अकेली झूमना पसंद था, इसे इस जालिम बादशाह से छुटकारा मिल चुका था, इसलिए शहजादी अब अपने रांझे के साथ पुरसकून रह रही थी। खुशियों ने इनके घर दस्तक दी थी। सच कहते हैं कि जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की होती है, और बुराई हमेशा हार जाती है और रुसवा होती है।
जालिम का जुल्म एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है और बाकी रह जाती है अल्लाह ताला की बादशाहत। हर रोज़ एक नई और सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।